मौजूदा हालात जो जो इलेक्शन आएगा, हालात तो पार्लियामेंट इलेक्शन आएगा, 3 साढ़े 3 महीने तो पार्लियामेंट इलेक्शन को, जैसे मैंने कहा नॉर्मली 15 और 18 मार्च के करीब नोटिफिकेशन होती है, और पार्लियामेंट का इलेक्शन 7-8 फेजेस में मई तक चलता है, लेकिन शुरुआत उसकी नोटिफिकेशन से ही होती है। तो इसलिए पार्लियामेंट से पहले जो भी ट्रेंड हो उससे पार्लियामेंट पे भी बहुत असर पड़े। मैंने यही बताया ना कि अभी बहुत अर्ली है, सवेरे है, अभी अभी ट्रेंड पर ये कहना कि क्या क्यों हुआ, अभी जो मैं महसूस कर रहा था एक सब लीडरों की स्पीचेस, वो मैंने आपको बताई कि माइनॉरिटीज कांग्रेस के एजेंडा से गायब। मैं पिछले साल जनवरी फरवरी में ही कह दिया था कि पूरा साल बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप में से सबको मालूम है लेकिन इधर ध्यान नहीं देते, पिछले साल बर्फ न होने के बराबर हुई, और ये बर्फ होनी चाहिए मार्च में नहीं, अप्रैल में नहीं, बर्फ हमारे पहाड़ों पे होने, हिमाचल या जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर मुनसर हैं, जिनकी बिजली, दिसंबर और जनवरी में बहुत बर्फ होनी चाहिए जिससे हमारे पहाड़ लदे होने चाहिए, और दिसंबर जनवरी में होती है उसको फिर पत्थर बन जाता है, और वो अगले साल मार्च अप्रैल तक चलता है। तो इस साल गर्मियों में भी जम्मू बहुत शिद्दत हुई क्योंकि पानी नहीं था, न होने के बराबर पानी था, तो वैसे भी सर्दियों में बर्फ जब जम जाती है तो फिर पानी कम होता है, पानी कम होता है बिजली कम होती, लेकिन इस दफा बर्फ ही नहीं गिरी थी, तो दो दो नुकसान हमारे नहीं बरी नहीं कर रहा, मैंने कि ये जानकारी भी होनी चाहिए आदमी इंसान को जाने, इसका एक ही इलाज है, दो इलाज है, वो तो बड़ा इलाज है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक के, चाहे वो कश्मीर से हैं या चिनाब वैली से निकलते हैं, इन्हीं जगह से हैं और जो बन भी रहे हैं, उसकी बिजली नेशनल ग्रिड में जाती है और उनको हम वहाँ से भी खरीदना पड़ता है। जब तक कम से कम 50% बिजली हमको नहीं मिली, मैं ये नहीं कहता कि पूरा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होते बिरिया तो सबके कॉमन होते हैं, जब तक 50% बिजली रियासत को, जो हमारी रियासत से निकली वो हम ही को नहीं मिले, और दूसरी स्टेट को जो भी गवर्नमेंट है उसको इस बर्फ को देखते हुए, जैसे मैंने पिछले साल दिसंबर जनवरी में अंदाज़ा लगाया, तो सरकार को भी अंदाज़ा लगाना चाहिए था कि अगले साल में इस विंटर में बिजली, तो उनको दुगनी बिजली खरीदनी चाहिए, तो वो ये प्रोविजन रखने में नाकाम हुई है सरकार।